अगर आप भी बार बार एक ही हलवा खा के बोर हो गए हैं तो आप इस हेल्दी एंड टेस्टी हलवे को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये हलवा एप्पल से बना हुआ है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आयांस किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं एप्पल के हलवे की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एप्पल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एप्पल लिया है और इसे हम ग्रेट करेंगे। तो सेब को अच्छे से वॉश कर लें, फिर इस तरीके से बड़े पीसेस में कट कर लेना और बीज इसका निकाल देना है। उसके बाद इसे ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। इसे ग्रेट करने के बाद अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे और इसे रखेंगे गर्म होने को। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। और जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी, यानी कि 2 बड़े चम्मच। और घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे काजू। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 काजू लिया है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे बादाम भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बस काजू ही लिया है। इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही करना है। तो यहाँ पे सारे काजू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस हमें इतना ही करना है। अब हम सारे काजू को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे काजू को निकाल लें और हम इसी पैन में अब डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था सेब। अब हम सारे सेब को इसमें डाल देंगे और जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है और इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगता है। तो बस इसे भून लें, बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, नहीं तो हमारा जो सेब है वो नीचे से जल जाएगा। तो इसे इस तरीके से चलाते रहो और इसे भून लें। पानी अच्छे से सूख गया है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो 1/4 कप चीनी इसमें डाल दें और थोड़ा सा रेड या ऑरेंज फूड कलर डाल दें, इससे कलर अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। और इसे अच्छे से मिलाते हुए हमें इसे भूनना है। चीनी डाले हैं तो अब पानी छोड़ेगा, तो हमें जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता, यानी जब तक चीनी का पानी सूख नहीं जाता तब तक हमें इसे फिर से पकाना है। तो इसे बीच बीच में ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। आप चाहे तो गैस के फ्लेम को मीडियम भी रख सकते हैं या फिर लो टू मीडियम पे ही इसे कुक करना है। तो इसे इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहें और इसे पानी सूखने तक पका लें। अब जो हम यहाँ पे फ्राई किया हुआ काजू रखे थे उसे इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जो छोटी इलायची होती है उसका पाउडर आप यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर छोटी इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे पानी इसका अच्छे से सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो हलवा है वो बन के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मैं आपको इसको दिखाती हूँ पास से कि हमारा हलवा बन के तैयार है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और क्योंकि एप्पल का हलवा है तो हमारे लिए हेल्दी भी बहुत है। तो आप गैस को बंद कर दें, मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अब हम इसे किसी बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप भी इस हलवे को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे काजू से, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर गार्निशिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी एप्पल का हलवा बनके तैयार है। आप इसे कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और इस रेसिपी को बनाइए और इंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।